महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भगवा सियासत का बोलबाला देखने को मिल रहा है। जहां हिंदू हृदय सम्राट का ताज अब जनता के अनुसार राज ठाकरे की तरफ जा रहा है, तो वहीं हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालने के लिए जिस अंदाज में राज ठाकरे ने कदम बढ़ा दिए हैं, इसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही एक बार फिर महाराष्ट्र में भगवा सुनामी वाली राजनीति और हिंदुत्व पर चुनाव देखने को मिलेंगे। और राज ठाकरे ने जो कहा था उसे एमएनएस के कार्यकर्ता अंजाम दे रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने खुले तौर पर ऐलान किया था कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों को न सिर्फ पहचान की जाएगी बल्कि उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर भी किया जाएगा। इसी के तहत पुणे में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने 3 लोगों की पहचान कर ली और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इससे पहले भी मुंबई में लगभग 50 बांग्लादेशियों को मनसे के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था, जो अवैध तरीके से मुंबई में रह रहे थे। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र और देश को घुसपैठियों से मुक्त कराने का जो सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए राज ठाकरे ने कदम बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कई घरों की तलाशी भी ली है, लोगों के वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड भी चेक किए। मनसे के इस कदम की तमाम देशभक्त सराहना कर रहे हैं। मतलब साफ है कि राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि कागज तो दिखाना ही होगा। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे नए हिंदू नेता के तौर पर उभर रहे हैं, जबकि सीएम उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाकर इन मुद्दों को भूल चुके हैं। और शिवसेना भले ही सत्ता का भोग कर रही है, लेकिन वो अपने इन तमाम मुद्दों को भूलती जा रही है, जिसके बदौलत आज शिवसेना सत्ता में है। ऐसे में राज ठाकरे के भगवाधारी रूप से शिवसेना की सियासी जमीन खिसक सकती है। CAA और NRC पर देश भर में बवाल मचा है। कांग्रेस लगातार इस पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लेकिन असली बात तो यह है कि कांग्रेस भी CAA का समर्थन कर रही है। इसका खुलासा महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने एक बयान के जरिए किया है। CAA और NRC पर उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बयान दिया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून, NRC और राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर पर उन्होंने सोच समझकर अपना रुख तय किया है। उद्धव के मुताबिक इसके लिए गठबंधन सरकार में सहयोगी दलों कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ विचार विमर्श भी किया गया। दरअसल शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ठाकरे ने कहा था कि CAA पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है और NPR किसी को देश से बाहर निकालने के लिए नहीं है। इससे पहले ठाकरे यह भी कह चुके हैं कि उनकी सरकार राज्य में NRC लागू किए जाने की इजाजत नहीं देगी, क्योंकि इससे हर धर्म के लोगों पर असर पड़ेगा। शिवसेना का नेतृत्व करने वाले उद्धव का यह रुख कांग्रेस और NCP से अलग है। PM से मिलने के बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी और अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उन्होंने CAA का समर्थन कांग्रेस से राय लेने के बाद ही किया है। मतलब ये कि कांग्रेस CAA पर विरोध बस राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। ऐसे में जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां CAA लागू ना करने की बात करना कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी है। तो क्या कांग्रेस ये सब वोट बैंक के लिए कर रही है? BJP भी आरोप लगाती आ रही है कि CAA के विरोध के नाम पर कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। बहरहाल CM उद्धव ठाकरे ने जो कहा उससे कांग्रेस और NCP की पोल जरूर खुल गई है। तिरंगे के साथ लहराता दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का झंडा। भारत के PM नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बड़ी होर्डिंग और पूरा हिंदुस्तान कहता नमस्ते ट्रंप। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे की। ट्रंप के इस दौरे से पूरे अहमदाबाद में जश्न का माहौल है। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता है। स्कूली बच्चे भी हाथ में अमेरिका और भारत का झंडा लिए ट्रंप के स्वागत के लिए तैयार हैं। इन सब के बीच सुरक्षा व्यवस्था का भी खासा इंतजाम किया गया है। और हो भी क्यों ना, बात जब दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा की हो तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक तरफ जहां PM नरेंद्र मोदी पारंपरिक तरीके से ट्रंप के स्वागत के लिए तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत यात्रा को लेकर काफी उत्सुक नजर आए। भारत पहुंचने से कुछ घंटे पहले उन्होंने हिंदी में ट्वीट कर लिखा कि हम भारत आने के लिए तत्पर हैं, हम रास्ते में हैं, कुछ ही घंटों में हम सबसे मिलेंगे। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत में जवाब देते हुए लिखा अतिथि देवो भव। लेकिन ट्रंप का यह हिंदी ट्वीट वाकई इस बात का सबूत है कि उनके दिल में भारत के लिए बहुत सम्मान है।
बता दें कि सुबह लगभग 11:45 में डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद वो साबरमती आश्रम गए, जहां ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके बाद आश्रम के विजिटर बुक में ट्रंप ने लिखा, मेरे महान दोस्त मोदी, इस शानदार सफर के लिए शुक्रिया। इसके बाद वो मोटेरा स्टेडियम के लिए रवाना हुए, जहां लाखों की भीड़ भारत और अमेरिका की इस दोस्ती का गवाह बनने का इंतजार कर रही थी। और वहां पहुंचकर ट्रंप और मोदी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफें भी की। महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरेगांव भीमा हिंसा मामले में उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होने के बावजूद भी वो हिंदू समर्थकों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान राज्य के गृह विभाग ने कोरेगांव भीमा हिंसा मामले की बड़ी जाँच की थी। आपको बता दें कि फडणवीस के कार्यकाल के दौरान गृह विभाग उनके पास ही था, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि इस हिंसा के पीछे हिंदू समर्थकों का ही हाथ है, लेकिन पुलिस को उसके इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला। साथ ही फडणवीस ने यह भी कहा कि जांच की समूची प्रक्रिया के दौरान ना तो बम्बई उच्च न्यायालय और ना ही उच्चतम न्यायालय ने आपत्ति जताई। एक अलग SIT की स्थापना के बावजूद पवार कोरेगांव भीमा हिंसा घटना में हिंदू समर्थकों को फंसाना चाहते हैं। बता दें, उद्धव ठाकरे ने कोरेगांव मामला NIA को सौंप दिया था, जिसके बाद शरद पवार उद्धव ठाकरे से नाराज हो गए थे। इसके बाद शिवसेना और NCP में तकरार भी तेज हो गई थी, लेकिन फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र पुलिस को इस बात के ठोस सबूत मिले हैं कि शहरी नक्सलवाद का मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश भर में फैल चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सियासी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पार्टी की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में 3 गुट है, कमलनाथ, सिंधिया और दिग्विजय सिंह का। तीनों अपने अपने गुट का नेतृत्व करते हैं। लंबे समय बाद जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो कांग्रेस आला कमान ने कमलनाथ को सत्ता की चाबी सौंप दी, क्योंकि दशकों से कमलनाथ गांधी परिवार की खातिरदारी करते आ रहे हैं, जिससे सिंधिया नाराज हो गए और समय समय पर सिंधिया और कमलनाथ के बीच तकरार सामने आती रही। लेकिन इस बार मामला काफी आगे निकल चुका है और अब सिंधिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले ही सिंधिया ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की बात कही थी, जिसके बाद उनके समर्थकों ने नई पार्टी बनाने की मांग की थी। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौके की तलाश में है। सिंधिया और दिग्विजय सिंह की मुलाकात से सियासी पारा चढ़ गया है। बता दें कि पहले खबर थी कि सिंधिया और दिग्विजय की मुलाकात सर्किट हाउस गुना में बंद कमरे में भी होगी, लेकिन समय के अभाव के कारण वे अकेले में तो नहीं मिल सके, लेकिन दिग्विजय और सिंधिया लंबे समय बाद गर्मजोशी से मिले और एक दूसरे को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी सिंधिया से कोई तनातनी नहीं है। उन्होंने सिंधिया को महाराज के नाम से संबोधित किया। दिग्गी राजा ने कहा कि महाराज से उनकी बहुत अच्छे संबंध हैं। दिग्विजय सिंधिया की इस मुलाकात से कयासबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि सिंधिया की दिग्विजय के साथ ऐसी मुलाकात पहले नहीं हुई है और इस मुलाकात के बाद कमलनाथ की नींद जरूर उड़ गई होगी, क्योंकि सिंधिया और दिग्विजय में अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है, तो इसका असर कमलनाथ सरकार की सेहत पर पड़ना लाजमी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर एक तरफ जहां पूरे देश में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों में खलबली मची है। वो एक के बाद एक बेतुके बयानों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप की भारत यात्रा पे किए गए खर्च फिजूल के हैं, इनसे भारत को कोई फायदा नहीं है। और कांग्रेस के साथ जाकर शिवसेना भी कांग्रेस की ही भाषा बोलने लगी है। कांग्रेस को खुश करने के लिए अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीब 36 घंटे की भारत यात्रा से गरीब और मध्य वर्गीय भारतीयों के जीवन पर रत्ती भर असर नहीं पड़ेगा। शिवसेना ने आगे निशाना साधते हुए लिखा कि
ट्रंप ने भारत के लिए रवाना होने से पहले कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यापार पर बातचीत करने जा रहे हैं। इससे साफ होता है कि उनकी यात्रा का उद्देश्य अमेरिकी व्यापार बढ़ाना है। शिवसेना के इस बयान में उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है, जबकि ट्रंप के इस दौरे से पूरा हिंदुस्तान उत्साहित है। जिस तरह अमेरिका ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोटेरा स्टेडियम में पीएम मोदी और भारत की तारीफ में जो कशीदे पढ़ी हैं, उनसे विपक्षी दलों का बौखलाना लाजमी है। भारत के लोगों की एकता विश्व में एक मिसाल है। यहाँ की संस्कृति काफी महान है। यहाँ की होली, दिवाली, भांगड़ा अपने आप में अद्भुत है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने मोटेरा स्टेडियम में अपने भाषण के दौरान हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के लोगों की एकता विश्व में एक मिसाल है। यहाँ की संस्कृति बहुत महान है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान होली, दिवाली, भांगड़ा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और बॉलीवुड फिल्म शोले के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान कहा कि हम इस शानदार स्वागत को हमेशा याद रखेंगे। ट्रंप जब भारत और पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे, उसी दौरान वह अचानक से रुके और पीएम मोदी से हाथ मिलाने लगे और कहा कि पीएम मोदी ने चाय वाले के रूप में शुरुआत की। उन्होंने चाय बेचने वाले के रूप में काम किया। हर कोई उनसे प्यार करता है। मोटेरा स्टेडियम में लाखों की भीड़ के बीच जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बीच में अपने भाषण रोक पीएम मोदी से हाथ मिलाया तो लोग देखते ही रह गए। बस फिर क्या था, पूरा स्टेडियम मोदी और ट्रंप के नारे से गूंज उठा। ये सिर्फ ट्रंप और मोदी की ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती की वाकई बेहद खूबसूरत तस्वीर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।